हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है काव्यादय 2015। तो आज हम एक टेस्टी सा सुस्टाक ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू बात करते हैं। हमने लिया है ये साबुत खड़ा मूंग को फुला दिया था एक आध, तो फिर उसको पोटली में बांध के रख दिया था, तो ऐसे देफा देफा निकल गया। आप चाहो तो इतने और शोर दोगे तो और ज़्यादा देफा निकलेगा, नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते हो। फिर हम इसमें डालेंगे ये कैच ब्लैक सॉल्ट, तो मैंने इसको इस तरीके से ढक्कन पर निकाल दिया ताकि ज़्यादा ना गिरे। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी वो है ये प्याज। प्याज को हम दो दफ़ा डालेंगे, एक पूरा मिक्स हो जाए, एक ऊपर से के लिए। आप हरा मिर्च चाहते हो तो हरा मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मैं जिसके लिए बना रही हूँ उसको स्पाइसी उतना पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है, और ये है चाट मसाला जिसको मैं डाल देती हूँ। हम हेल्दी बना रहे हैं तो इसमें तेल वगैरह तो डालेंगे नहीं, तो अब इसको ये पूरा सूखा सूखा सा है ना, तो इसको हल्का सा मॉइस्चर देने के लिए हम इसमें डालेंगे सॉस। ये हल्का सा सॉस है, इसमें हमने वो डाल दिया ताकि थोड़ा सा इसमें नमी आ जाए और टेस्टी भी हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने कोकोनट नारियल काट रखा है ना, उसको कुछ इस तरीके से डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नींबू, जो हमने आधी नींबू काट रखी है वो डालेंगे कुछ इस तरीके से। दूसरी वाली जो है उसको भी डाल देना है। विश्वास कीजिए बहुत टेस्टी भी होते हैं और साथ ही साथ हेल्दी है, क्योंकि सब चीज़ में फायदे वाले ही पड़ रहे हैं। एक चीज़ थोड़ा सा जो हम नमकीन डालेंगे उसको छोड़ के, अब हम इसे करेंगे मिक्स अच्छे से। आप देख सकते हो कि मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये खट्टा मीठा मिक्सचर, जिसे को मैंने ऐसे थाली में निकाल लिया है, तो हम इस तरीके से ऊपर से डालेंगे ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे। आप चाहो तो इसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ता, टमाटर वगैरह, चुकंदर ये सब डाल सकते हो, लेकिन मैं जिसके लिए बना रही हूँ उसको नॉर्मल पसंद है, कुछ खास वेजिटेबल नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसा बना रही हूँ कि टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो। और लाजमी है, वो छोटी बच्ची भी है तो उसको स्पाइसी बिल्कुल ना लगे। देख सकते हो खूबसूरत दिख रहा है ना। अब हम करेंगे मेन, जो मैंने बोला था आपको टमाटर प्याज मिर्चा वो सब डाल दो, तो वो है तो आप डालिए, नहीं है तो बस ऐसे ही ऊपर से प्याज डाल दीजिए जैसे मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा नींबू का रस डाल के इसको छोड़ देना, साथ में थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिए। अब हम ये डालेंगे, हमने जो नारियल को पतला पतला काट रखा है ना, देखते होंगे झालमुड़ी वगैरह में देता है, तो वो इससे क्या है ना ये काफी खूबसूरत दिखता है, कुछ इस तरीके से हमें सजानी है। ये देखिए हमारा टेस्टी सब ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, हेल्दी एंड टेस्टी। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लग रहा है ना, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके।